नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग है। मनुष्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिल पाता। असफलता का असर घर के माहौल पर भी पड़ने लगता है। वाद विवाद कलह कलेश बढ़ जाते हैं। पर्याप्त धन की प्राप्ति न होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं। पैसों की किल्लत का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। इससे घर और समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्ण स्थिति का कारण आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने से कई तरह की परेशानियां लगातार बढ़ने लगती हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन सही उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव को प्रसन्न करके सुखमय जीवन, संपन्नता, मान सम्मान आदि की प्राप्ति की जा सकती है। बृहस्पति को नौ ग्रहों में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति की आराधना आपका इन संकटों से चुंगल छुड़ा सकती है। देव गुरु बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह हैं, तो माना जाता है उन्हें पीली चीजों को अर्पित करने से जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिष में विशेष महत्व है। हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ के दौरान भी किया जाता है। ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी के आसान उपाय करके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हल्दी के कुछ ऐसे उपाय जो आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु सृष्टि के तारणहार हैं। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में से एक है हल्दी। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें पीले फूल और फलों का भोग लगाएं। कभी अकेले श्रीहरि की पूजा ना करें, साथ में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में बेलपत्र माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें, इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यश कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होगी। पूजा के समय अपनी कलाई में या कंठ पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाना बृहस्पति की कृपा दृष्टि पानी में मददगार होता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान किया जाए तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होकर विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे नौकरी व्यापार में सफलता भी मिलती है। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। इस जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बेहतर होगा और जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने के बाद पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दे तो घर शुद्ध हो जाएगा। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा लें। किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें को आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होते नजर आएंगे। वास्तु दोष की आशंका होने पर गुरुवार के दिन अपने कमरों के कोनों में हल्दी को छिड़कें, इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर के अहाते के सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही हर गुरुवार के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं या फिर थोड़े से चावल गीले करके उसमें हल्दी मिला लें और इससे घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं।
ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। ये आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। स्वास्तिक के प्रयोग से धन वृद्धि, वास्तु दोष निवारण और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं आती हैं, कभी छोटे मोटे कारणों से या विघ्नों के कारण विवाह होने में अड़चने आने लगती हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें, उनसे विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। बाद में इस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। गुरुवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, सभी नहीं रख पाते, लेकिन गुरुवार के दिन सभी लोगों को कुछ चीजों से परहेज जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ही करें, मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन ना करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे सफाचट सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, काले और नीले रंग के कपड़े भी ना पहने, और अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या हो रही है तो लाल रंग के कपड़े भी ना पहने। लाल रंग क्रोध को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, तो इन चीजों से बचें। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को पैसे उधार ना दें, जहां तक हो सके गुरुवार के दिन पैसों के लेन देन से बचें। गुरुवार को शाम के समय जब आप दिया बाती करें, उस समय दीपक में दो लौंग डालकर जलाएं, और गुरुवार शुक्रवार दोनों ही दिन एक ही दीपक जलाएं, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही ठोकरें मिल रही हैं, चारों ओर से असफलता ही असफलता नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है, तो ऐसे में हर गुरुवार को श्री हरि विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाएं, ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यकीन मानिए, इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ को बाजू या गले में बांधने से ये पीले पुखराज की तरह काम करती है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति इससे मजबूत होती है। दोस्तों, कोई कितना भी कहे पैसा क्या चीज है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन की बातों पर आएंगे तो अनुभव यही होता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है धन की कमी। आज के दिनों में धन के बिना जीवन यापन असंभव है, आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसे में एक लाल धागे में एक हल्दी की गांठ को बांध लें, इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें। विष्णु जी से धन की मुश्किलों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर इसको, यानी कि धागे में बंधे इस हल्दी की गांठ को आप अपने कार्यस्थल या घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा उपाय, किसी भी गुरुवार के दिन आप एक कागज लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देंगे, उसकी पुड़िया बना लें, और भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करके आपको घर में उनकी जो तस्वीर या मूर्ति है उसके पीछे इस पुड़िया को छुपा कर रख देना है। धन संबंधी परेशानी हो, शादी विवाह की समस्या हो, वस्तु या वाहन को लेकर कोई मंशा हो, उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, तब इस हल्दी को आप तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा। जीवन की हर तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हल्दी का ये उपाय शीघ्र फलदायी होता है। गुरुवार के दिन आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और एक चुटकी हल्दी डाल दें, और इसको गौ माता को खिला देना चाहिए, या आप एक रोटी पर भी इन चीजों को रखकर गौ माता को खिला सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही नवग्रहों के जो दोष हैं वह भी दूर हो जाते हैं। जीवन में कार्यों में जो भी रुकावट आ रही होती है वह दूर होती है और बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से गुरुग्रह बृहस्पति की भी स्थिति मजबूत होती है। आखिर में एक ही बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिति आपके लिए कभी शुभ होगी तो कभी अशुभ परिणाम देगी, लेकिन आप अगर ये उपाय नित्य रूप से करते रहेंगे तो संकट आपको छू नहीं पाएंगे। बड़े से बड़ा संकट आने वाला भी हो तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन इस गुरुवार को नहीं बल्कि हर गुरुवार को इन उपायों को करते रहें। अपने ऊपर गुरु के प्रभाव को शुभ फलदायी बना लें, उसका पूरा लाभ आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। गुरु ग्रह ही सुख समृद्धि विवाह आदि के कारक होते हैं।
गुरु की स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं मिलेगी। गुरुवार के दिन हल्दी के ये उपाय भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद दिलाते हैं, इसलिए इन आसान से उपायों को कर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।